Assalamu alaikum class. My name is Maria Nazim aur hamara aaj ka lecture hai ji Introduction to International Relation aur hamara lecture number 19. Hum isse pehle apne different topics padh chuke hain. Aaj ka jo hamara topic hai wo bhi bada ek interesting topic hai. International law. International law क्या है और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इस लॉ की क्यों ज़रूरत है, तो आज हम ये वाला टॉपिक देखेंगे. टॉपिक शुरू करने से पहले आपको आसान वर्ड में समझाना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल लॉ क्या है. देखिए, अगर आप कोई अपने मुल्क के अंदर रहते हुए क्राइम करते हैं या कोई लड़ाई होती है या कोई ज़मीन फैसला होता है, तो हमारे मुल्क का एक लॉ बना, हम जो 1973 के लॉ को फॉलो करते हैं, हमारा जो भी फैसला होता है उस लॉ के अकॉर्डिंगली जो केस हम पे बनता है या जो फैसला आना होता है वो सारा उस लॉ के अकॉर्डिंगली होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी तक 73 का आइन एप्लीकेबल, क्योंकि न्यू आइन आया नहीं और अभी तक उसी आइन के तहत उसी आइन की रोशनी में जो भी फैसले होते हैं वो हो रहे हैं. ये तो है आपके इंटरनल मुल्क के अंदर. लेकिन अगर आप कोई हमारा पाकिस्तानी बंदा, ठीक है, उसका कोई इशू हो जाता है किसी और मुल्क में रहने वाले बंदे के साथ, या वो कोई ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जो इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वहाँ पे जो इशू होगा उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारा लॉ तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उसके लिए एक इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड वाइड एक लॉ की ज़रूरत है. फिर तो दोनों स्टेट्स जो होती हैं आपस में कोई काम कर रही होती हैं और कोई इशू हो जाता है, तो दो नेशंस ने जब आपस में ट्रेड करनी है या उनका कोई भी इशू है, लेकिन देखिए हर मुल्क का बॉर्डर दूसरे मुल्क के साथ मिला है, कुछ ऐसा इशू आ जाता है, बॉर्डर का इशू है, पानी का इशू है, समुंदर का इशू है, तो इन सब चीज़ों के लिए इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, तो वो इन सब चीज़ों के लिए इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करेंगे. इंटरनेशनल लॉ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड लॉ ऑफ नेशंस इज द सेट ऑफ रूल्स नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स जनरली एक्सेप्टेड इन रिलेशंस बिटवीन नेशंस. यानी कि ऐसा लॉ जिसको पब्लिक लॉ कहा जाए, यानी जो सब लोगों के लिए हो, लॉ ऑफ नेशंस हो, तमाम नेशंस के लिए हो, कोई सेट ऑफ रूल्स नॉर्म्स और स्टैंडर्ड जनरल एक्सेप्टेड को स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं ताकि जो आपके नेशंस के दरमियान रिलेशंस हैं वो रहे. तो इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा पब्लिक लॉ है जो बेसिकली सेट ऑफ रूल्स नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाता है जो तमाम नेशंस के लिए एक्सेप्टेबल है. इंटरनेशनल लॉ एस्टैब्लिश नॉर्मेटिव गाइडलाइन and a common conceptual framework for states to follow across a broad range of domains including war, diplomacy, trade and human rights. देखिए, आप जब ट्रेड किसी भी दो ममालिक के दरमियान हो रही होती है या फिर इंक्लूडिंग वॉर, वॉर से क्या मुराद है, जिस तरह से दोनों मुल्कों के दरमियान अगर जंग हो जाती है तो कोई कैदी बना लिए जाते हैं, तो उन कैदियों के साथ क्या सलूक करना है, ठीक है, उनको मार देना है या उनको जेल में रखना है, उनको खुराक देनी है, तो ये सब इंटरनेशनल लॉ आपको बताता है कि अगर दो मुल्कों के दरमियान वॉर है तो वो किस तरह से गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे या एक फ्रेमवर्क दिया होगा इंटरनेशनली को, ठीक है. डिप्लोमेसी, जो आपकी ट्रेड हो रही है वो किस नॉर्म्स और वैल्यूज़ के ऊपर होगी, उसका भी एक पूरा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होगा. और ह्यूमन राइट्स, यानी दो स्टेट्स जो हमसे हैं वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं करेंगे, ठीक है. इंटरनेशनल बेसिकली आपको गाइडलाइन देगा और एक फ्रेमवर्क दे रहा है तमाम स्टेट्स के लिए, ठीक है, और एक रेंज बता रहा है. अच्छा, रेंज से भी मुराद ये है, देखिए आप दो ममालिक हैं और उनके दरमियान समुंदर आ रहा है तो कितना हिस्सा किस मुल्क के पास आता है, कितना हिस्सा किस मुल्क के पास आता है. अब जो हमारी नेवी फोर्सेज होती हैं वो बेसिकली क्या होती है, वो आपके समुंदर को प्रोटेक्ट कर रही होती है. आप समुंदर में कितना हिस्सा पाकिस्तान की टेरिटरी में आता है, कितना इंडिया का आता है, को
उतना आगे जाके वो दुबई वालों के पास आता है, ठीक है। और हम अक्सर सुनते हैं कि उन्हें हमारी वॉयलेशन की, जैसे अगर हम जमीनी हदूदें भी बनी हुई हैं, बहरी हदूदें भी और बड़ी हदूदें भी, तो ये सब जो हदूद हैं और इनको फॉलो करना, और अगर इनकी कोई वॉयलेशन हुई है तो वो किस तरह से, तो आपने एक पूरी हदूद बनी हुई है, अब अगर इन हदूद की कोई मुल्क खिलाफ वर्जी करता है, ठीक है, तो हम किस तरह से आगे से रिएक्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो होती है कि इंटरनेशनल लॉ क्यों, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस है, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ। दूसरा ह्यूमन राइट्स, मैंने आपको कहा है जिस तरह से एक बंदा किसी बाहर के मुल्क में रह रहा है, सिटीज़न वो पाकिस्तान का है, तो अगर वहाँ पर वो कोई क्राइम करता है तो उसके साथ क्या सलूक होता है, ये भी हमें इंटरनेशनल लॉ बताता है कि आया उसको पाकिस्तान वापस भेजते हैं कि वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग भी करते हैं। यहाँ स्टेट ने अपनी लॉ जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, ठीक है, हम जिस तरह से कहते हैं कैदियों का तबादला हुआ, या बहुत से लोग वहाँ पे इलीगल अगर पाए जाते हैं तो वो उनको सजा नहीं देते, वो उनको डिपोर्ट कर देते हैं। तो ये बेसिकली इंटरनेशनली एक लॉज और स्टैंडर्ड बने हैं कि अगर किस तरह का क्राइम कोई करता है तो उसके साथ आपने किस किस्म की ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये सब गाइडलाइन हमें इंटरनेशनल लॉ जो है प्रोवाइड करता है। और ह्यूमन राइट्स इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनल लॉ दस प्रोवाइड्स अ मीन फॉर स्टेट्स टू प्रैक्टिस मोर स्टेबल कंसिस्टेंट एंड ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि लॉ जो है वो आपको एक गाइडलाइन दे रहा है और ये आपको प्रैक्टिस करा रहा है कि कोई भी स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो, कंसिस्टेंट हो और अपने ताल्लुकात आपस में ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सके। क्योंकि जब वो एक लॉ बना हुआ होगा और उस लॉ के फ्रेमवर्क को फॉलो करेगा तो आपका रिलेशन भी दो स्टेट्स के दरमियान क्या होगा, अच्छा होगा। द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंक्लूड इंटरनेशनल कस्टम। इंटरनेशनल कस्टम का मतलब ये होता है कि जनरल स्टेट प्रैक्टिस एक्सेप्टेड एज लॉ, आपकी किसी भी स्टेट की कस्टम्स क्या है। ट्रीटीज, ट्रीटीज का मतलब होता है मुआहदे एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय मोस्ट नेशनल लीगल सिस्टम्स। मतलब ये है कि जो ट्रीटीज जो होती हैं वो हुई हुई हैं दो मुल्कों के दरमियान मुआहदा जिस तरह से, तो यानी कि जो आपका एक किसी भी स्टेट का कस्टम कैसा है। दूसरा ये है कि आप ट्रीटी जोन सी हैं उनके दरमियान किस किस्म की हुई हुई है, तो आप लोगों ने क्या माहदे में जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सिमटास माहदा हुआ है, एक शिमला माहदा हुआ है, तो दोनों जो ट्रीटी जोन सी हैं वो उनके दरमियान हुई हुई है। पानी का माहदा है कि इतना हिस्सा पाकिस्तान का होगा इतना, जिसको इंडिया अक्सर वायलेट भी करता रहता है, दरियाओं के पानी का, बहाव का, तो ये सब फायदे हमें, क्योंकि दरिया कोई बेस कहीं से आ रही है, कोई कहीं से आ रही है, इंडिया कभी पानी रोक लेता है, कभी सैलाब छोड़ देता है, तो ये बेसिकली ट्रीटीज दरमियान उनकी हुई हुई है। और ये इंटरनेशनल लॉ के, इंटरनेशनल लॉ में आल्सो बी रिफ्लेक्टेड इन इंटरनेशनल कमिटी द प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स अडॉप्टेड बाय स्टेट्स टू मेंटेन गुड रिलेशंस एंड म्यूचुअल रिकॉग्निशन सच एज सैल्यूटिंग द फ्लैग ऑफ अ फॉरेन शिप और इन्फोर्सिंग अ फॉरेन जजमेंट, ठीक है। तो ये सब जो उनसे इंटरनेशनल लॉ जो उनसा है वो आपको बता। इंटरनेशनल लॉ डिफर्स फ्रॉम स्टेट बेस्ड लीगल सिस्टम्स, यानी कि जो उसका इंटरनल लॉ है वो उससे डिफरेंट हो सकता है, इज दैट इट इज़ प्राइमरीली थ्रू नॉट एक्सक्लूसिवली applicable to countries rather than to individuals and operates largely through consent since there is no universal accepted authority to enforce the upon sovereign state. International law जो होता है वो किसी भी स्टेट के लीगल लॉ से डिफरेंट हो सकता है और ये एप्लीकेबल होता है तमाम कंट्रीज़ के ऊपर, किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं है, सबकी कंसेंट के साथ। लेकिन जो उनसा है कोई भी ऐसी नहीं है कि वो किसी भी स्टेट को ये लॉ जो उनसे वो फोर्स करें कि वो अपनी खुद मुख्तारी को पीछे करें, ठीक है।
consequently, states may choose to not abide by international agreements or break that too. ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टेट जो उनसे ये इनकार भी कर सकती है, जिस तरह से चाइना के और वियतनाम का इनका कोई इशू था, ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोर्ट के अंदर गए और जो फैसला था वो चाइना के खिलाफ आया, तो चाइना ने जो है ना फैसला मानने से इनकार कर दिया, जो त्रुटि उनकी हुई थी उसको ख़त्म कर दिया। तो ये एक स्टेट जहाँ पे उसको लगे कि उसकी सुवरेनिटी को हिट किया जा सकते हैं, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो वो फैसला मानने से इनकार भी कर सकते हैं। ट्रीटी सच एज द जिनेवा कन्वेंशन में रिक्वायर नेशनल लॉ टू कन्फर्म टू ट्रीट प्रोविजन, नेशनल लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन में आल्सो प्रोवाइड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन और इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन इनटू डोमेस्टिक लॉ। ठीक है, इस तरह जिनेवा कन्वेंशन की बात की हुई है, तो रिक्वायर है कि जो ट्रीटीज़ हैं उनको आप फुलफिल करो और उनको और कोई ऑब्लिगेशन अगर है उस लॉ के अंदर तो उसको रिमूव किया। अच्छा जी, इसके अलावा ये इसको इंटरनेशनल लॉ बेसिकली ये अप्रोच है इसकी भी, इसके और पर्सपेक्टिव में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टेट्स हैव स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव्स टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द इनसिक्योरिटीज ऑफ इंटरनेशनल अनार्की। स्टेट फेस कॉमन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन प्रॉब्लम, येट कोऑपरेशन रिमेन्स डिफिकल्ट अंडर अनार्की। टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन, स्टेट्स क्रिएट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ विच थ्री लेवल एग्जिस्ट इन मॉडर्न इंटरनेशनल सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट, फंडामेंटल इंस्टीट्यूट एंड इशू स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट और रिजीम्स। वी आर कंसर्न विद द फंडामेंटल इंस्टीट्यूट्स ऑफ विच इंटरनेशनल लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द क्विस्ट फॉर लोकल ग्लोबल गवर्नेंस इज पुशिंग इंटरनेशनल लॉ इन टू न्यू एरा, रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट वेदर इंटरनेशनल लॉ इज ट्रांसफरिंग इन टू अ फॉर्म ऑफ सुपर नेशनल लॉ। Individuals and to some extent collectives are gradually acquiring rights and responsibilities under international law, establishing their status as both subjects and agents in law. तो क्या है, स्टेट्स ने एक दूसरे के साथ कोलेबोरेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है। इस कॉपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट हैं, सोसाइटीज़ हैं, फंडामेंटल इंस्टीट्यूट हैं, और ये इंस्टीट्यूट जो उनसे इंटरनेशनल लॉ बनाते हैं ताकि उसको फॉलो करके जो आपके आपस में कलेक्टिव कोऑपरेशन है उसको एस्टेब्लिश किया जा सके। नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लीगल लॉज। नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स यानी कि आपके जो एनजीओज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको इंटरनेशनल लॉ बनाने के नॉर्म्स बनाने में हेल्प आउट करते हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा था कुछ लोग जो ऐसे हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो वो किस तरह से ट्रीट किया जाएगा अगर कोई उनके साथ मसला आ जाता है, तो ये इंटरनेशनल लॉ बनाने में आपको बड़ा हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरनेशनल आर रूल्स विच रिलेट्स टू द फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट एंड स्टेट्स इन द इंटरनेशनल एरिना। International law has various ingredients including general principles of law and justice which are equally suited to regulating the conduct of individual organization within a state and states themselves. Evolution of international law kab shuru hua? Formulation of international law can be traced back to the 3rd and 4th millennium. Ye basically before Christ se kinte tak bhi मुख्तलिफ स्टेट्स होती थी, मुख्तलिफ ट्राइब्स होती थी, तो आपस में कोई आ जाता था, किसी का कोई कैदी आ जाता था, कोई आपस में जब ट्रेड करते थे एक ट्राइब जो चीज़ बनाता था वो दूसरे ट्राइब को देता था, तो लॉज तो मौजूद थे तब। अर्ली रूलर्स हैज मेड इंटरनेशनल रूल्स टू सेफगार्ड मर्सीज इन इमिटेशन एंसेस्टेशन ऑफ हॉस्टलाइज एंड अरेंजमेंट ऑफ ट्रूसेज एंड मार्टिमेंट लॉज। ठीक है, जो आप आपस में कैदी बनाते थे, हॉस्टाइल्स करते थे, उनकी सारी जो अरेंजमेंट है ये लॉज इस वक्त भी मौजूद थे। टू एड गवर्नेंस, द रोमन्स डिवाइज प्रिंसिपल्स ऑफ जस्ट इंटरियम और लॉ ऑफ द पीपल। बाय द टाइम द रोमन एम्पायर फेल, एप्लीकेशन ऑफ दीज लॉज वॉज वाइडली एक्सेप्टेड। European state also contributed to international law at a later stage in history.
At the 14th century, scholars were writing about international law. Hugo Grotius, for example, produced a monumental work on law concerning wars and peace, emphasizing the independent nature of law. ब्रिटिश ने बड़ा काम किया हुआ है, वो कहता है क्योंकि वॉर जब होती थी और पीस को बेसिकली एम्फेसाइज करने के लिए, ताकि आपस में मुआहदे हों, जिस तरह से हम लोग जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे तो दो अक्सर जो गजवे भी हुए उससे पहले बेसिकली इलाकों में ट्राइब्स के अंदर मुआहदे होते थे जंग के हिसाब से, कैदियों के हिसाब से. तो ये सब कौन से हैं? फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. During the 18th century, three prominent schools of thought concerning international law are evident: the positivists and the naturalists and the Grotians. The naturalists believed in upholding morality through laws, the positive focus on practicing and the consequential nature of these laws. The Grotians combined both naturalists and positive elements. In the past century, the League and the United Nations system and subsequently the International Court of Justice have made important contribution to international law. Other institutes like IMF or WTO influence law concerning trade, economics law. अब देखो IMF कौन सा है? International एक organization है. अब जब हम इनसे पैसे demand करते हैं तो वो उनके कोई ना कोई law है, वो उस law के तहत हमें कर्जा देते हैं और फिर हमसे फोर्सफुली वो चीज़ें मनवाते हैं. अगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे या ट्रेड या उनके इकोनॉमिक्स जो भी हमें रूल्स बताएंगे हम नहीं मानेंगे तो वो हमें एड नहीं दे. यानी कि हर चीज़ का लॉ बन चुका है. अच्छा, डिफरेंट टाइप्स के इंटरनेशनल लॉ हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ. प्राइवेट लॉ कंसर्न्स इंडिविजुअल्स, वेयर एज पब्लिक लॉ कंसर्न्स द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट्स. ठीक है, प्राइवेट जोन से वो इंडिविजुअल से कंसर्न है और पब्लिक जोन से वो स्टेट से कंसर्न है. प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लॉ. प्रोसीजरल लॉ डिफाइन टाइप्स ऑफ परमिटेड बिहेवियर, वेयर सब्सटेंटिव लॉ कंसर्न्स टेरिटोरियल राइट्स ऑफ स्टेट, जो आपकी फजाई बहरी बड़ी हदूद है उनके. ठीक है, तो ये आपकी टेरिटोरियल, जिस हमें बहरी बरी की बात कर रहे थे, ये उससे सारा कंसर्न था. और उसके बाद है लॉज ऑफ वॉर्स एंड पीस, यानी जब अगर आपके दरमियान कोई वॉर हो जाए या आपने कोई पीस की आपस में ट्रीटमेंट करना है, तो दीज आर लॉज गवर्निंग बिहेवियर स्टेट इन अ स्टेट ऑफ वॉर कंसर्निंग राइट्स ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड दोज मेंट टू प्रिवेंट आउटब्रेक ऑफ वायलेंस एंड प्रमोट पीस. पार्टिकुलर एंड जनरल लॉज. जनरल्स और यूनिवर्सल लॉज आर एप्लीकेबल टू ऑल सॉवरेन स्टेट्स, whereas particular law are defined by bilateral or regional agreements. ठीक है, तो आपका प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ, यानी कि स्टेट से कंसर्न, लोगों से कंसर्न, प्रोसीजरल टेरिटरी से कंसर्न, लॉज ऑफ वॉर पीस और उसके दरमियान कंसर्न, और पर्टिकुलर और जनरल लॉ जो हर सॉवरन स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल. एंड अदर परस्पेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल लॉ, द लॉज ऑफ पावर्स कोऑर्डिनेशन एंड रेसिप्रोसिटी. Laws of power regulate master-slave relations. Those of coordination of regulate relations amongst members of the same groups. Laws of reciprocity refers to the intermediary interaction which implies mutual benefits. ठीक है, तो वो basically intermediate interaction है which implies mutual benefits. Naturalists and positivists, आपको पता है दो school of thought हैं. Naturalists and positivists developed side by side. Naturalists argued that divine authority was the source of all laws. Positive argued that only those international laws had validity which are adopted by consent of sovereign states. ठीक है, positive कहते हैं कि सिर्फ वही law adopt होंगे जो तमाम sovereign state की consent है, जबकि naturalism क्या कहता है, वो कहता है कि जो अथॉरिटी ने बना दिया है लॉ वो तमाम एप्लीकेबल. सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, आर्टिकल 38 ऑफ द ICJ रिकॉग्नाइज नेचुरल लॉज, जनरल लॉ, कस्टम एंड लीगल कमेंट्रीज एज अ बेसिक सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ. बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी, सम नेचुरल लॉज आर एप्लीकेबल अक्रॉस द वर्ल्ड. बेस्ड ऑन द इम्प्लीट और एक्सप्लिक कंसेंट ऑफ स्टेट, customary laws are mainly based on custom or treaties.
General law defined with reference to terms like justice or rights enable jurists to fill in the gaps left by positive law. Legal commentaries help clarify, elaborate upon, and apply Broad the nature nature of law to specific circumstances. Take a formulation implementation of international law. There is no formal institute to make international law, so they are made outside of formal institute, issues of treaties. If a sufficient number of states follow a customary practice, it becomes an international custom. The International Court of Justice, which is composed of UN member states, recommended by the Security Council, has an advisory capacity to interpret treaties, but it lacks the authority of national courts. International tribunal also lack the authority of national judicial institutes. मतलब वो ये कह रहे हैं कि कोई भी इस तरह प्रॉपर एक इंस्टीट्यूट नहीं है जो सिर्फ बैठ के लॉ बना रहा है, बल्कि कोई भी आपकी जब दो मुल्कों के दरमियान कोई ट्रीटी होती है या कोई कस्टम का लेन देन होता है तो वो एक लॉ बन जाता है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो यूएन के अंदर आता है, वो रिकमेंडेड करते हैं. इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल आल्सो लैक द अथॉरिटी ऑफ नेशनल जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस. मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ एंड इट्स एवोल्यूशन. मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ इज अ हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट, अ प्रोडक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन इन लॉ एंड प्रैक्टिस दैट ट्रांसफॉर्म्ड द गवर्नेंस ऑफ यूरोप स्टेट्स आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. Prior to the French Revolution, in the age of absolutism, law was understood principally as the command of a legitimate superior, and international law was seen as the command of God. ठीक है, French Revolution के बाद basically इसका age proper शुरू हुआ. From natural law, in the modern period, law has become to be seen as something contracted between legal subjects or their representative, and international law has been seen as the expression of the mutual will of nations. Because of its historical roots, the modern institutes of international law has a number of distinctive characteristics informed largely by the values of political liberalism. The most distinctive characteristics of the modern institutes of international law are its multilateral form of legislation, its consensus-based form of legal obligation, its language and practice of justification, and its discourse of institutional autonomy. So long as international law was designed to facilitate international order, it was circumscribed in key ways. States were the principal subjects and agents of international law. International laws were concerned with the regulation of interstate relations, and the scope of international law was confined of questions of order. अच्छा, आप international laws हैं और different theories हैं. Theories हम different पढ़ चुके हैं, हमने realism पढ़ी, liberalism, neoliberalism. ठीक है, तो उन theories के हिसाब से हम थोड़ा international law एक दफ़ा पढ़ लेते हैं. कोई ऐसा मुश्किल याद करने वाली चीज़ नहीं है. रियलिस्ट आर्ग्यूज दैट इंटरनेशनल लॉ इज ओनली इम्पोर्टेंट व्हेन इट सर्व द इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल स्टेट्स. यानी कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ तब इम्पोर्टेंट है अगर वो पावरफुल स्टेट के इंटरेस्ट में है. अगर वो किसी कमज़ोर के इंटरेस्ट में है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है, तो रियलिस्ट कहते हैं कि सिर्फ जो पावरफुल स्टेट के इंटरेस्ट में वो ही लॉ है इंटरनेशनल. ठीक है, न्यू लिबरल्स एक्सप्लेन्स हाउ सेल्फ इंटरेस्टेड स्टेट्स कम टू कंस्ट्रक्ट डेंस नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल लीगल रिजीम्स. कि सेल्फ इंटरेस्टेड स्टेट्स जो हैं वो आपका नेटवर्क एक कंस्ट्रक्ट करेंगे. Constructivists treat international law as part of the normative structure that conditions state and state agency in international relations like other social norms. They emphasize the way in which law constitutes actors, identifies interests, and new strategies. Neoliberal emphasize
the domestic region of state's preference and in turn international law. Within international law, they stress the need of disaggregate the state to understand transactional legal integration and interaction, and they prioritize international humanitarian law. Critical legal studies concentrate on the way in which the inherent liberalism of international law seriously curtailed its rationality. Critical legal studies concentrates on the way in which the inherent liberalism of international law seriously curtails its radical potential. अच्छा जी, आप international humanitarian law and war ये क्या कहते हैं? International law is increasingly affecting domestic legal regimes and practices, and the rules of the international legal systems are no longer confined to issues of others. As international humanitarian law evolves, issues of global justice are permitting the international legal orders. Placing limits on the legitimation use of force is one of the key challenges of international community. यानी कि आपने फोर्स को इस्तेमाल करने को कम करना है. एंड द लॉज ऑफ वॉर हैव इवॉल्व्ड टू मीट दिस चैलेंज. तो इसलिए कुछ लॉज बनाए गए हैं वॉर के. द लॉज ऑफ वॉर हैव ट्रेडिशनली बीन डिवाइडेड इनटू दोज गवर्निंग व्हेन द यूज ऑफ फोर्स इज लेजिटिमेट जस्ट एट बेलम एंड हाउ वॉर मे बी कंडक्टेड. ठीक है, कि क्या चीज़ ज़रूरी है और अगर वॉर कंडक्ट होगी तो वो कैसे हो. लॉज गवर्निंग व्हेन वॉर इज लीगली परमिटेड हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली ओवर द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम. द मोस्ट नोटेबल डिफरेंस बिटवीन द 19th सेंचुरी वॉर दैट टू वेज वॉर वॉज अ सॉवरन राइट टू द पोस्ट 1945 view that war was only justified in self-defense as a part of a UN mandated international peace enforcement action. कि सिर्फ वॉर तब हो सकती है अगर कोई सेल्फ डिफेंस में करना चाहता है कि नहीं तब. अदरवाइज जो वॉर है वो नहीं होनी चाहिए. कि तो 1945 के बाद क्योंकि जितना दुनिया ने देखा कि वॉर ने उसको नुकसान पहुँचाया, सिर्फ ना सिर्फ ज़मीनें तबाह हुई बल्कि लोगों की एग्रीकल्चर ह्यूमन राइट्स के वायलेशन, बहुत से लोग मरे, तबाही तबाही है. इस जंग ने अभी तक दुनिया को कोई फ़ायदा नहीं दिया. तो 1945 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो ये एक मैंडेटरी बन गया कि सिर्फ अगर आपने वॉर करनी है तो वो सेल्फ डिफेंस में ही की जानी चाहिए, अदरवाइज वॉर नहीं होनी चाहिए. Laws governing how war may be conducted divide broadly into three categories, those governing weaponry, combatants and non-combatants. ठीक है, combatants हैं, weapons हैं और non-combatants हैं. ठीक है, international laws, national law, national laws have much greater legitimacy than international law. While individuals rarely have resources to self-help within nations, states rely on self-help as a matter of norm, lest they are bounded by a treaty of some sort. With the passage of time, international law became more acceptable, accepted and complex, and sanctions and international censors ensure states to oblige to them. कि जैसे जैसे बनता जा रहा है कि state उसको oblige करे, लेकिन मैंने आपको पहले भी start ही कराया था कि अगर किसी की सॉवरेनिटी से विक्टोरी है तो उसको मानने से इनकार भी कर सकते हैं. जिस तरह चाइना वाला इशू जो आपको बताया है, तो चाइना ने जो इंटरनेशनल कोर्ट में फैसला हुआ था जो दोस्त का और मेरे हाल से दूसरी किसी स्टेट वियतनाम के साथ साल कोई टेरिटरी का इशू था, तो जो फैसला दिया था इंटरनेशनल कोर्ट ने, चाइना ने उसको मानने से इनकार कर दिया था. तो कोई भी उसको मानने से इनकार कर सकता है, किसी स्टेट के पास राइट है. लेकिन मोस्टली ये होता है कि स्टेट जो उसकी इंटरनेशनल लॉ को मानती है, उसको प्रैक्टिस भी करती है, उसको ओब्लाइज भी करती है. रेलिवेंस डिस्पाइट इट्स लिमिटेशन इंटरनेशनल हेल्प गिव शेप टू इंटरनेशनल ऑर्डर.
It influences and channels bilateral or even multilateral economic, social and political cooperation. It provides the normative background based on which independent states can make their decisions. सब चीज़ों के अलावा जो आपका इंटरनेशनल लॉ है ये आपको हेल्प करता है, एक ऑर्डर बना के देता है मुल्कों ने आपस में कॉपरेट कैसे करना है, कोलैबोरेट कैसे करना है इकोनॉमिक सोशली और पॉलिटिकली, ठीक है, और आपको हेल्प करता है कि आप अपने डिसीजंस जो से हैं वो बना सकें। मैं इसको थोड़ा सा एक वाइंड अप करती हूँ ताकि आपको एक अच्छी तरह समझ आ जाए। इंटरनेशनल लॉ बेसिकली दो स्टेट्स के दरमियान लॉ है। जिस तरह से अगर कोई बंदा घर के अंदर गलत काम करता है तो वो घर वाले लॉ का नेशनल लॉ उसको कॉपरेट करें, लेकिन अगर वो कहीं बाहर के मुल्क में रह रहे हैं और वहाँ पर कोई गलत काम करता है तो इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है कि किसी और स्टेट के लोगों को कैसे डील करें। इसके अलावा जब स्टेट आपस के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं तो कुछ ट्रेडिंग कस्टम्स लॉ बने हुए होते हैं। ट्रेड के अलावा जब आप जंग में होते हो तो अगर आपके कैदी आपस में एक्सचेंज होते हैं तो उसके भी लॉ बने हुए हैं कि आपने कैदी अगर एक्सचेंज करने हैं या उनको किस तरह से रखना है, उनकी ट्रीटमेंट कैसे होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स कैसे आपने करना है, इकोनॉमी के हिसाब से भी चीज़ें। दूसरा, अगर ट्रीटी कोई आपके दरमियान होगी और उस ट्रीटी को और कोई वायलेट करना है तो उसके अगेंस्ट कैसे एक्शन होगा। तो ये सब जो से हैं ये इंटरनेशनल लॉ बना हुआ है, रूल्स बने हुए, ऑर्डर्स बने हुए, नॉर्म्स बने हुए। इसका कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट्स नहीं है कि जो इसको बनाता है, लेकिन यूएन का ये के अंदर ही एक इंस्टीट्यूट आता है, वो करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के प्राइवेट लॉ है, पब्लिक लॉ है, ठीक है, टेरिटरी लॉ है, जनरल लॉज हैं। तो ये जो भी कोई दो मुल्क आपस में कोई ट्रीटी साइन करते हैं या कस्टम पर साइन करते हैं वो एक इंटरनेशनल लॉ बन जाता है। हम आपस में जितनी भी दुनिया में दूसरे मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड होती है या हमारा कोई कैदी पकड़ा जाता है एम्बेसी में डिपोर्ट होते हैं तो ये इंटरनेशनल लॉ के तहत ही होते हैं। हिस्ट्री इसकी बड़ी पुरानी है, बिफोर क्राइस्ट इसकी हिस्ट्री मिलती है, लेकिन यूरोपियन रेवोल्यूशन जब आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोपियन स्टेट और ये प्रॉपर कायदा फॉर्म में आया और 1945 के बाद तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर जोर दिया गया कि इंटरनेशनल लॉ ये बनाया जाए कि वॉर को अवॉइड करने और पीस को प्रमोट करने। और वॉर आप सिर्फ उस सूरत में करोगे कि जब आपने अपना कुछ सेल्फ डिफेंस वगैरह करना है। तो ये सब बेसिकली दुनिया में पीस लाने की एक अप्रोच है ताकि एक रूल दिया जाए लोगों को फॉलो करने के। जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानी हुदूद और कवायद है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ की एक लिमिट एक रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है, हमें हदूद बताई गई है। जब हम उन हदूद को पार करते हैं या तोड़ते हैं तो अल्लाह ताला ने उसके खिलाफ भी बताया था कि उसको सज़ा क्या दी है। तो इसी तरह दुनिया के अंदर रहने के लिए कुछ कानून होते हैं, हर इंसान की एक लिमिट होती है, वो लिमिट बताई जाती है, उस लिमिट को अगर वायलेट करते हैं तो उसके अगेंस्ट सजाएँ भी दी जाती हैं। तो इट्स ऑल अबाउट इंटरनेशनल लॉ और बेसिकली इट्स अप्रोच टू वर्ड्स टू अचीव अ पीस इन द वर्ल्ड, ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाइयाँ ना हो, पीस प्रमोट हो। तो एक लॉ, एक स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स दिए जाते हैं ताकि तमाम मुल्क उसको फॉलो करें। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स हैं लेकिन थ्योरी इतनी मुश्किल नहीं है। बेसिक आप डेफिनेशंस याद करनी है, उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी देख लीजिएगा, टाइप्स देख लीजिएगा और इंटरनेशनल लॉ कर क्या है। और आजकल के दौर में इंटरनेशनल लॉ क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल लॉ ऑफ वॉर है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।